What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 7 अप्रैल 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:55 हो रहा है, थोड़ा लेट आ सकता है आज का वीडियो। नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है, 3 दिन की छुट्टी के बाद अभी मार्केट शुरू हो रहा है। ये वीक भी काफ़ी छोटा होगा क्योंकि फ्राइडे को भी एक हॉलीडे आ रहा है, 3 दिन का ये वीक है, तो हो सकता है लिक्विडिटी काफ़ी कम देखने को मिले। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। काफ़ी कुछ खबरें आ रही है कि कोरोना के ऊपर मेडिसिन मिल गया है, रिसर्च चालू है, लेकिन अभी ये सब दावे हैं। लेकिन उससे देखें तो मार्केट में एक यूएस मार्केट में और यूरोपियन मार्केट में कल एक तेज़ी देखने को मिली थी। हालांकि ये साइंटिस्ट का सिर्फ दावा है, अभी तक WHO से कोई भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो अभी फिलहाल ये जो खबरें आ रही है इसके ऊपर कितना सच्चाई है या फिर ये सही में इन्होंने इसके ऊपर दवाई खोज ली है या फिर नहीं, ये आने वाला वक्त बता सकता है। लेकिन अभी जो मार्केट के हालात है इस समय काफ़ी पैनिक सिचुएशन है। यूएस में भी काफ़ी डेथ हो चुकी है, अभी इंडिया में ये थर्ड स्टेज की तरफ जा सकता है। काफ़ी कुछ हम देख रहे हैं, इन 3 दिनों में काफ़ी नंबर्स बढ़ गए हैं पॉजिटिव पेशेंट्स के, तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अभी तक चार्ट में भी क्लियर पैटर्न नहीं है। मार्केट्स देखें तो कल यूएस मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी, नाज़दक करीब 540 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी हरे निशान में बंद हुए थे। आज एशियाई बाज़ार भी देखें तो हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। SGX निफ्टी 136 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है, तो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं हफ्ते के पहले दिन ये ग्लोबल मार्केट्स। देखते हैं निफ्टी का चार्ट क्या कहता है। वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर कई हफ्तों से, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 हफ्तों से लगातार यहाँ पर कंटिन्यूस लोअर हाइज लोअर लो का पैटर्न चल रहा था। यानी ये जो डाउन ट्रेंड का पैटर्न है, प्रीवियस कैंडल का हाई और लो, उसके नीचे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक का कैंडल का हाई और लो था, तो ये कंटिन्यू जो ट्रेंड था ये अभी लास्ट वीक यहाँ पर एक पॉज हुआ है, लेकिन इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ है। प्रीवियस वीक के हाई और लो के बीच में ये ट्रेड हुआ है, एक कंसोलिडेशन कहे तो पैटर्न यहाँ पर देखने को मिला था लास्ट वीक। अभी ये बियरिश हरामी जैसा पैटर्न है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में आया है, ये ऊपर टॉप में नहीं आया, ये नीचे डाउन ट्रेंड में आया। तो अभी क्या ही है इसका हाई और लो, इन दोनों में से कोई एक अगर फिर से ये ब्रेक करता है तो हमें आने वाले ट्रेंड के बारे में एक आइडिया आ सकता है, कन्फर्मेशन आ सकता है। तो ये वीकली चार्ट का सीनारियो है। डेली चार्ट पर चले तो डेली चार्ट में हमने एक पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। नीचे RSI के पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखे थे, अगर आप पिछले वीडियो से हमें फॉलो कर रहे तो आपको पता होगा। और ऊपर अगर इसे लाइन चार्ट में अगर कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, लेकिन इसका ये जो नेक लाइन है इसको ब्रेक नहीं किया था। नेक लाइन के पास इसने ये डबल टॉप फॉर्मेशन बना दिया, और फ्राइडे को काफ़ी स्लगिश पैटर्न था, 3 दिन की छुट्टी थी, तो ऐसे वक्त में हमेशा ऐसा देखा गया है कि एक साइडवेज पैटर्न रहता है, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड्स जो है वो काफ़ी लोग कैरी नहीं करते ओवरनाइट। तो यहाँ पर एक स्लगिश पैटर्न देखने को मिला था, और लास्ट कुछ आवर्स बचे थे इसमें फिर से इसने नेक लाइन को तोड़ के और थोड़ा नीचे आके ये क्लोज हुआ था। लेकिन जो प्रीवियस कुछ दिनों पहले यहाँ पर ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये यहाँ पर राइट शोल्डर, ये पैटर्न अभी तक यहाँ पर एग्जिस्ट है, लेकिन इसका नेक लाइन अभी तक ब्रेक नहीं किया। अगर ये नेक लाइन के ऊपर चला जाता है, क्लोज देता है कंफर्टेबली, तो यहाँ से हो सकता है एक अपसाइड बाउंस हमें देखने को मिले। तो ये डेली और वीकली चार्ट का फिलहाल सिनेरियो है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, वीकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो फ्राइडे को अगर यहाँ पर क्लोज हुआ था, ये करीब करीब जो डे का लो था इसी के आसपास ये क्लोज हुआ था। तो डे का जो लो था फ्राइडे का, अगर ये ब्रेक करता यानी 8052 के नीचे चला जाता तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 7972। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जो कि S1 का पिवट पॉइंट का लेवल है, और सेकेंड टारगेट होगा S2 का लेवल जो कि 7864 है, ठीक है।
और ऊपर की तरफ अगर ये बढ़ता है तो ये जो लेवल है जहाँ से इसने कोशिश किया था बाउंस बैक दिखाने को फ्राइडे को, लेकिन यहाँ से फिर से एक बार टूवर्ड्स साउथ की तरफ ये मूव होने लगा, यानी 8,220 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए यहाँ पर हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8,274, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 8,328, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर गैप अप एक्सट्रीम गैप अप होता है तो इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करने दीजिए मार्केट को तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, अदरवाइज अगर गैप अप ओपन होता है और फिर से नीचे आता है तो इन लेवल्स को ब्रेक होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। तो ये आज के लिए इंट्राडे लेवल्स है। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।